और अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 39,13,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि वायरस 2,70,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान मजीद 2,129 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 76,000 से बढ़ चुकी है, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद 12,92,000 से तजावज कर चुकी है। बरतानिया में मजीद 539 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि अमवात 30,600 से ज्यादा हो चुकी हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 2,06,000 से तजावज कर गई है। इटली में कोरोना से मजीद 274 अमवात के बाद मजमूई तादाद 30,000 के करीब पहुंच गई। कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 2,15,000 से बढ़ चुकी है। फ्रांस में 178 हलाकतों के बाद तादाद 25,000 से तजावज कर चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,74,000 से ज़ायद हो चुकी है। स्पेन में अब तक 26,000 अफराद दुख्माय अजल बन चुके हैं। रूस में एक रोज में 11,000 और ब्राज़ील में 9,000 से ज़ायद मरीज सामने आ गए। ब्राज़ील में 600 अमवात, जबकि भारत में मजीद 104 अफराद हलाक हो गए। भारत में कुल मरीजों की तादाद 56,000 से ज़्यादा हो चुकी है। कनाडा में कोरोना से मजीद 172 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की तादाद 4,400 से ज़ायद हो गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 64,817 हो गई। मेक्सिको में 197 अमवात के बाद कुल तादाद 2,704 हो गई। कोरोना से मुतासरीन की तादाद 27,000 से तजावज कर चुकी है। जानलेवा वायरस सऊदी अरब में 10 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 8 जाने ले गया, जबकि सऊदीया में 33,000 और दुबई में 16,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। बांग्लादेश में 12,000 से ज्यादा मरीजों की तस्दीक हो चुकी है।